मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट आते हैं, उसमें का एक पेशेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट। स्किजोफ्रेनिया ये जैसे छिन्न मानस उसको कहते हैं, छिन्न मानस या स्प्लिट माइंड, दुभंग व्यक्तिमत्व। और ये जो पेशेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो गई थी। बहुत ही बहकी बहकी बातें करना, एकदम इरेलेवेंट टॉक। और यह हद तक वो गया कि उसको कोई तो भी ऐसा बोलता है कि उसने विष्ठा खाना चाहिए, मतलब संडास खाना चाहिए या मूत्र पीना चाहिए, और वो भी करता है। क्या क्या हरकतें नहीं करता, क्या क्या उसको बहम हो रहे, क्या क्या उसके विचार है, तो जरा आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। गजानन महाराज मुझको बोलते हैं कि डॉक्टर लोगों ने मेरे बाबा पिताजी को मारा, मेरे पिताजी को मारा, और अभी साइंस रहेगा नहीं, इस दुनिया में साइंस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, भारत में से साइंस निकल जाएगा, कभी साइंस आएगा ही नहीं भारत में, भारत में आयुर्वेद आएगा, वैद्य आएंगे और नए नए आइटम आएंगे जो देखे भी नहीं है, डॉक्टर लोगों ने जो देखे भी नहीं, ऐसी 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 अद्भुत कलाएँ आएंगी, ऐसा गजानन महाराज बोलते हैं। ऐसे गजानन महाराज। और भगवान शंकर क्या बोलते हैं? भगवान शंकर बोलते कि समुद्राच्या नद्या वाहे, समुद्र की नदियाँ बहेंगी, नाली में से रक्त बहेगा, सब इधर रक्त ही रक्त हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, जग 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 का मूलतन सर्वनाश हो नहीं, जब जगह तो सर्वनाश हुई, जग का सर्वनाश हो जाएगा, जग का सर्वनाश हो जाएगा, और जग का सर्वनाश होने के बाद सबके आत्मे नर्क में सड़ेंगे। अच्छा, सदैव सदैव के लिए। और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि गु खाना चाहिए, मतलब गंदगी, संडास की गंदगी खाना चाहिए, पेशाब पीना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मुझे गजानन महाराज, भगवान शिवशंकर भगवान मुँह पीने को लगाते हैं, संडास खाने को लगाते हैं, कचरा खाने को लगाते हैं, और मेरे जेब में अभी भी कचरा है, और अभी मैं तुम्हारे दवाखाने में आया तो बाहर केले पड़े हुए थे। तुम खाते क्या सब, ये थूका कचरा तुम खाते क्या पूरा? मैं थूका भी खाता हूँ, मैं भेड़ का भी खाता हूँ, मैं सब खाता हूँ। अच्छा। भी खाता हूँ मैं, पन्ने भी खाता हूँ। हाँ। मैं सर्विस गली में का पानी भी पीता हूँ, मैं सर्विस गली में का मूत भी पीता हूँ। हाँ। मैं सब करता हूँ। अच्छा, और ऐसा क्यों करते है? ऐसा मुझे भगवान करने को लगाते है। भगवान करने को लगाते है? हाँ। तो भगवान बोलते है कि अगर तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो सब जब का सर्वनाश हो जाएगा, तेरी इच्छा पूरी होके रहेंगी। भगवान 33 कोटी देवी देवता तेरे तेरे पीछे बोलते, तू तेरी टेंशन देने का कुछ काम नहीं, काम नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया, थैंक यू। इसका इलाज हो सकता है, मगर लोग ये बाहर का है, करनी का है, भगवान का कोप हुआ है, या कोई भूत प्रेत घुसा है, ऐसा बोलते हैं, और उसके वजह से फिर उनका इलाज करते नहीं। अभी उन्होंने सौभाग्यपूर्ण ये बात है कि वो हमारे यहाँ लाया उसको, अभी मैं उसका इलाज करूँगा, दवा देके, दवा मतलब मेडिसिंस देना है, और ये काफ़ी पुरानी बीमारी है तो इसको शायद शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट वो भी शायद उसको देनी पड़ेगी, जिससे वो अच्छा हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो साल दो साल चार साल से कहीं दरगाह में गए हुए, कोई मंदिर में जाके बैठे हुए हैं, या उन्होंने या उनको लोगों ने बांध के रखा हुआ है घर में, और उनको एक तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर उनको मालूम ही नहीं है कि ये बीमारी है, या बीमारी है मालूम है तो फिर वो लाते भी नहीं है, नहीं बाहर का है। तो इनका इलाज करने के लिए ज़रूर आपके शहर के साइकियाट्रिस्ट के पास में जाओ, उनका इलाज करो, और इलाज करने से वो पूरा अच्छा हो सकते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह से वो जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।